किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की काबिलियत सिर्फ उस गॉड खुदा और ईश्वर में है, लेकिन अगर ऐसा चमत्कार कोई इंसान कर दे तो लोग उसे भी भगवान ही मानने लगेंगे। स्वागत है आपका हमारे बकचोदी वाला ज्ञान एपिसोड 23 में, और आज हम इस एपिसोड में इतिहास के एक ऐसे पागल वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिसने एक मुर्दा शरीर को जिंदा कर दिया था। तो टाइम की बकचोदी न पेलते हुए शुरू करते हैं। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निस ने एक मरे हुए शरीर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौती भरा प्रयोग था। मनुष्य को जिंदा करने के लिए रॉबर्ट ई कॉर्निस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। कॉर्निस का मानना था कि अगर एक मृत शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सी सौ बोर्ड जैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस शुरू किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। रॉबर्ट का कहना था कि इस प्रयोग के लिए जितने भी इंसान मिले वो बहुत देर पहले ही मर चुके थे, जिसकी वजह से उन पर ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। इसीलिए रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठान ली, और मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लैजरस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते लैजरस 1, 2, 3 कुछ समय के लिए वापस जिंदा हो गए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो कोमा में चले गए। हालांकि लैजरस 4 और 5 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे हुए एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लैजरस 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था, और पांचवा कुत्ता लैजरस 5 4 दिनों में ही वापस से नॉर्मल हो गया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। कुत्तों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कॉर्निस ने इस प्रयोग को एक मृत शरीर के ऊपर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए कॉर्निस को एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एमसी मॉन्गली। कोर्ट ने इस आदमी को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड दिया था। जब कॉर्निस के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो थॉमस ने कॉर्निस से संपर्क किया और उसने अपने मृत शरीर पर कॉर्निस को उसका एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे दी। लेकिन जब कॉर्निस ने कोर्ट से थॉमस के मृत शरीर पर अपना प्रयोग करने की इजाजत मांगी, तब कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कॉर्निस की अर्जी यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इस घटना के बाद कॉर्निस को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। साल 1934 में डॉक्टर कॉर्निस के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध हुआ। ये फिल्म आज भी YouTube पर मौजूद है और इसमें रॉबर्ट ने खुद काम किया है। रॉबर्ट ई कॉर्निस ने अपने प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। शुरुआत में रॉबर्ट कॉर्निस ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोगों को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वो शहर छोड़ना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने से भी उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बाद भी रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास के सबसे सफल एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है।
रॉबर्ट के बाद दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। आज भी ऐसे कई देश हैं जो इस विषय पर खोज कर रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं, पर जरा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट कॉर्निस किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। अगर आज हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद होती तो क्या आप प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर किसी अपने को जिंदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे भी मार मार कर पुनर्जीवित कर दो, और बगल वाली घंटी भी दबा लो ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है, जाओ जाके मजे करो।